दोस्तों लक्की और मैं आपको एक गाना सुनाएंगे। सो लक्की कंधे में हाथ डालते हैं, हमारे जो मांगल वाला स्टाइल होता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वारिया गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। लक्की तू की करनु छ? मी करनु छु खेत बाड़ी। खेती बाड़ी करनी छ? हां तैयार हातम की छ? क्या छ हाथ में कुदा छ? हे गाइस वेलकम बैक टू फनी फ्रेंड, एंड आज हम जा रहे हैं खेतों में काम करने के लिए। तो लक्की का एक्सपीरियंस है खेतों में काम करने का, आप देखते रहना। सो हमारे साथ सब नानी वगैरह सब काम करेंगे। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं हमारे घर वाले में काम। सो इसको क्या बोलते हैं? कुदाल बोलते हैं, आपको पता होगा। हो बोलते हैं वैसे से, कुटल बोलते हैं कुटलियाँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि नानी वगैरह सब काम कर रहे हैं। नानी आप लोग क्या खेल रहे हो? अच्छा मिर्च बो रही थी, क्या निकाल रहे हो उसमें? उसमें वो है घास, हरी घास। उसको क्यों निकालते हैं वैसे? हरी घास है? उससे क्या फायदा होता है? अच्छा वो होने नहीं देता होगा ना? अच्छा लक्की तू क्या कर रहा है? पेड़ से पानी निकाल रहा हूँ। पेड़ से पानी निकाल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर कितने सारे केले लगे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। देखो तो दोस्तों देखो ये है केले, कच्चे हैं। घरिया केले भी कच्चे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आता इसमें लाल लाल क्या होता है, इसके अंदर भी होते हैं क्या केले लग के? और ये आड़ू का पेड़ है, इसमें आड़ू हो रहा है थोड़े थोड़े, लेकिन जब वो पकते उससे पहले खत्म हो जाते हैं बंदरों के उससे। दोस्तों आप थोड़ा फिर भी उतरे जूस नहीं होते फावड़े से, अलग अलग क्या बनाए। दोस्तों कैसे हो? हम तो मजा आनी खेती बाड़ी करने में। गाँव में छान। तो दोस्तों लॉकडाउन में हम अपने घर का खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का तो बाहर के सब्जियों में पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, और घर के जो सब्जियाँ होती है उसमें अलग ही स्वाद होता है, घर की मिट्टी में भी अलग ही स्वाद होता है। दोस्तों यहाँ मैं पूरी मिट्टी मिट्टी कर दी है, देखो इसमें आपको कोई दूसरी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ की मिट्टी जो है सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पे क्या बोलना है नानी? दोस्तों अगर आपके ओपन डाली नहीं तो एक और मजा लेने के लिए यहाँ आना, चली खाना। दोस्तों गढ़वाल में आप देखिए तो मैं कुछ भी उगाओ, मतलब अच्छी चीज़ ही होती है सब चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ना हो, मतलब जो गढ़वाल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है आधे से ज़्यादा अन्नत की गढ़वाली सब्जियाँ बोलते हैं यहाँ की सब्जियाँ। दोस्तों अब हम गाना गाएंगे लक्की और मैं मिलकर, जैसे हमारे वहाँ मांगल स्टाइल करते हैं ना ऐसे करके, जैसे इसको एक साइड रखते थे होना था ऐसे करते हमारे वहाँ, ऐसे जैसे खाते खाते टीटू खाद के लिए टीटू है वो, अपनी नेचुरल खाद है। दोस्तों मुझे काम दे दिया है, मेरा डिपार्टमेंट है कि बाउंड्री बनाऊं मैं। ये सब मैं क्या कहूंगा ना?
दोस्तों आपके वहाँ भी इसी तरह से क्यारी बनाते हैं, आप कमेंट में बताना, नहीं बनाना है तो बनाना सीख लो, नानी से सीख लो। दोस्तों ये कद्दू के पत्ते हैं, इसमें अभी कद्दू लगेंगे, आप दिखाएंगे जब लगेंगे, अगर बंदर ना खाए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये करेले का पेड़ है, आपको पता नहीं होगा हमारे वहाँ एक मीठे करेले भी होते हैं, जो मीठे होते हैं मतलब थोड़े वैसे छोटे करेले होते हैं, वो करेले कड़वे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, तो लकी बताएगा छोटे छोटे भी होते हैं ना, हाँ, वो काटे भी होते हैं। हाँ, उंगली के अलावा होते हैं, काटे छुपते भी उसके थोड़े। और ये है लौकी की बे, अभी बढ़ते बढ़ते इतनी नहीं बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी हाइट जल्दी बढ़ जाती है, कॉम्बलाइन भी जरा नहीं बढ़ती, तो ऊपर ऊपर चले जाएगी और पेड़ में चले जाएगी बेल की जैसे मतलब। और ये भी लौकी की बेल है, इसमें थोड़ा सपोर्ट के लिए लगा रखी है लकड़ी, तो साथ साथ यहाँ। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे गन्ने, यहाँ पे बहुत सारे गन्ने थे पहले, अभी मैंने कम कर दिए, उसकी जगह में यहाँ पे कद्दू की पत्ते मैंने आपको दिखाई, कद्दू की बेल होती है, बेले नहीं होती। और ये भीमल का पेड़, ये गाय बहुत पसंद करती है। और ये है मतलब उनके लिए पिज्जा के समान, उनके लिए पिज्जा का समान है। और ये फूल गोभी है, और ये बैंगन, फूल गोभी है और बंद गोभी है, जिनमें मतलब अभी फूल नहीं आ रखे ना, मतलब बंद गोभी है जिनमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं मतलब सब। और ये है बैंगन, बैंगन की पेड़, लाल बैंगन है कि सफेद बैंगन है, काले बैंगन है कि सफेद। ये कौन सा पेड़ है, टमाटर का पेड़ है दोस्तों, ये टमाटर का पेड़ है। अब दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं गुलाब और क्या है एक, तो ये माल्टे का पेड़ है, और उसके साथ साथ हमने बैंगन उगा रखी है, और ये बैंगन मतलब क्या होता उसको जो भी टब जैसा, इसमें छेद हो रखे ना, इसमें हमने बैंगन के पौधे उगा रखे हैं। और आप पीछे देख सकती है क्या है, और उसके साथ साथ आपको ये छोटी छोटी भुजिया मिल जाएगी देखने को। और ये है, ये क्या है, ये आड़ू है छोटा वाला उग रहा है, और ये अनार का पेड़ है, तो यहाँ गढ़वाले में अनार भी हो जाता है। तो दोस्तों ये है कागजी नींबू का पेड़, जिसको आप नींबू बोलते हैं। हाँ। आने वाले जूनों में हम इसमें नींबू पानी पियेंगे, तो छोटे छोटे फूल आ रखे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरे फूल भी क्या अब आ गए छोटे छोटे करके। और ये सॉरी मैं इसे चले जा रहा हूँ, मैं देख के जा रहा हूँ ना। और ये है मूंगरी का पेड़, तो ये अभी बहुत लंबा होगा, मक्का बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर्स होते हैं। और ये आप बोल रहे होंगे क्या है, ये है, तो ये है पुदीना, पुदीना ये देख सकते हो अभी भुजी के जैसे जो हो रखा है, पुदीना है, तो ये झाड़ियों के बीच हो रखा है। और ये अनार का पेड़ जिसमें फूल आने लग गए हैं, किसी किसी में आ गए, थोड़ा बड़ा था ना पहले से उगा रखा था, तो पुदीना वगैरह सब उगा रखा है। तो ये लाल चौलाई जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत पौष्टिक, सब टाइप के मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। दोस्तों टीटू भी आ गया है, टीटू भी। तो दोस्तों ये है ककड़ी का पेड़, जिसे मतलब प्लेन्स में खीरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ ककड़ी बोलते हैं, इसे काकड़ बोलते हैं, कभी काकड़ है मतलब ककड़ी बोलते हैं इसे। और ये भी वैसी होती है सेम, लेकिन ये थोड़ी बड़ी होती है। सो दोस्तों इसमें बीज, ये जो बीज आ रखे हैं, इससे तब प्याज के पौधे उगते हैं, सो अभी इसमें बीज आ रखे हैं, थोड़ी देर बाद हम झाड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये है मौसमी का पेड़, और ये भी मौसमी का पेड़ ही है, ये भी मौसमी का पेड़ है, ऊपर आपको दिख रहा होगा टॉप में आम का पेड़ है। सो वो थलीसर में केवल एक ही पेड़ है जो यहाँ है, सब यहाँ आते हैं मतलब लेने के लिए आम के पत्ते जब पूजा पाठ में। ये है एलोवेरा, बहुत मतलब लोग इसे फेशियल के रूप में भी लगाते हैं लड़कियाँ ज़्यादातर, और हम इसे खाते भी हैं, इसके अंदर का खाते हैं, वो भी अच्छा होता है शरीर के लिए, पेट साफ हो जाता है एलोवेरा से। अली आप देख सकते हो इन सारी गंडाली, तो ये बाउंड्री का काम करते हैं, हाँ बाउंड्री का काम है उसके साथ, हाँ मतलब इसके तो कांटे वाली तार लगाने, देख सकते हैं टीटू का कर रहा है। और इसकी हम चटनी में खाते हैं ना, लक्की चटनी में बोल रहा हूँ, भुज्जी खाते हैं कि तुझे कैसा लगता है हमारा कल्चर, मतलब हमारा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कल्चर है हमारा। अगर तुझे कोई मतलब शहर में भेज दे, मतलब जैसे तुझे कोई दिल्ली भेज दे, तो वहाँ रहना पसंद करेगा कि थलीसैन, थलीसैन पे रहना, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा, एक तो यहाँ प्योर वायु है मतलब शुद्ध मतलब हवा है, और देखो मौसम तो हमेशा अच्छा ही रहता है। बहुत पहले मैंने बचपन में हमारे दांत टूटते थे, तो हम यहाँ इसके अंदर छुपा देते थे दांतों को, पता नहीं नाई वगैरह बोलती थी ना, किसके अंदर छुपाने से तब चूहा ले जाते थे, चूहा ले जाते थे, उसको कुछ बोलते हुए कि चूहा पता नहीं क्या है। दोस्तों ये है छन्नी, यहाँ पे पहले हमारी प्यारी सी कालू रहती थी, और यहाँ पे उसका बछड़ा रहता था, हम थोड़ा सा कूड़ा वगैरह अब जलाएंगे सब। दोस्तों यहाँ पर हमारी बड़ी गाय रहती थी, अंदर रहती थी रात को, क्योंकि अंदर ही रहने हैं उनकी, बाहर नहीं रह सकते। और यहाँ पर छोटी गाय, हाँ छोटी गाय रहती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बाय।